मिट्टी के ओवन के फायदे पता करते हैं शेफ विपिन कुमार जी से। क्ले ओवन के तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं। हम लोग सदियों से क्ले ओवन यूज़ कर रहे हैं और वुड फायर ओवन यूज़ कर रहे हैं ब्रेड बेकिंग के लिए। इनफैक्ट अगर आपको बेस्ट पिज़्ज़ा एक्सपीरियंस लेना है तो आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रिक ओवन जिसमें वुड फायर होगा उसमें ही सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आ सकता है। इलेक्ट्रिक ओवन में होता ये है कि इनका टेम्परेचर 250-300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कुक। उसमें होता ये है कि सारी की सारी सब्जियों के और जो न्यूट्रिशन होते हैं डिशेस में वो मर जाते हैं, न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं उसमें। इसमें क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, 800 डिग्री फ़ारेनहाइट अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब, तो पिज़्ज़ा जो है वो 2 मिनट में, 90 सेकंड से लेकर के 2 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाता है। उसमें बाहर की सतह बिल्कुल पक जाती है और अंदर सब्जियों का जूस, सब्जियों के न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहते हैं, इसलिए हमने इसको प्रेफर किया। दूसरा रीज़न यह है कि बहुत ही लो कॉस्ट है, बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट। हमारी एक दिन में अराउंड 9 घंटे चलाने के लिए अराउंड 30 kg वुड का यूज़ होता है और हम इसको पूरी हीट पे रखते हैं। दूसरा ये है कि मिट्टी अपनी ही है, हमने अपनी मिट्टी से चीलों से ये जो उनके पत्ते होते हैं उससे निकाल करके इसको खुद अपने हाथ से बनाया है, तो इसको बनाने के लिए हमें कॉस्ट तो कुछ लगी ही नहीं। हालांकि अगर हम इलेक्ट्रिक ओवन के लिए जाते तो अराउंड 60,000 से अराउंड 90,000 के करीब करीब हमें वो कॉस्ट पड़ता। तो आइडिया ये था कि जो नौजवान यहाँ पे हैं वो कम से कम पैसे में भी कुछ न कुछ रोज़गार चला सकते हैं, इसलिए हमने ये चूज़ किया वुड फायर ओवन ओवर इलेक्ट्रिक ओवन। थैंक यू शेफ।